पहचान अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा का विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से गठबंधन होगा या ना होगा, ये अभी तक असमंजस में है। इसका पता भी आगामी दिनों में लग जाएगा। लेकिन इधर अब बेनीवाल ने खुद ही एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने गठबंधन के लिए कुछ शर्तें भी सामने रखी, साथ ही खींवसर सीट से किसे प्रत्याशी बना जाए इसका भी उन्होंने खुलासा कर दिया। बेनीवाल ने विशेष बातचीत में कहा कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र मेरे परिवार की तरह है। लोकसभा चुनाव के बाद मैंने खींवसर क्षेत्र के दौरे भी किए, कांग्रेस से बात कर रहे हैं। गठबंधन होता है तो 2 या 3 दिन में हो जाएगा। यदि गठबंधन नहीं होगा तो रालोपा राजस्थान में 3-4 जगह चुनाव लड़ेगी। इसमें देवली, उनियारा, झुंझुनू और एकाद जगह और है। यदि कांग्रेस के हाथ साथ हमारा गठबंधन होता है तो हम 2 विधानसभा सीट की डिमांड कर रहे हैं। इनमें खींवसर के अलावा देवली, उनियारा सीट है। वहां पिछले चुनाव में हमारी पार्टी को अच्छे वोट मिले थे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में डेजर्ट ब्लूम 2.0 शिखर सम्मेलन और नवाचार एक्सपो का आयोजन किया गया। इसमें देश के प्रमुख उद्योग विशेषज्ञ, उद्यमियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना है। एक्सपो ने MSME को नवीनतम तकनीकी और व्यापारिक अवसरों से अवगत करवाया ताकि वो अपने व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जा सके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अशोक कुमार पांडे, GM और क्षेत्रीय प्रभारी SIDBI जयपुर ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने MSME क्षेत्र में विकास में SIDBI की भूमिका और MSME के सशक्तिकरण में वित्तीय सहायता के महत्व पर भी प्रकाश डाला। ओंकार बगरिया, CEO विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने MSME के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा की। विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर KL और जैन अध्यक्ष और राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अक्षय गोयल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर BNI जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर शामिल थे। जैसे कि मैंने बताया कि आज के अंदर 10 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उसमें अलग अलग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और पैनल डिस्कशंस में हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं और अब होने बाकी हैं। तो अभी ये कार्यक्रम 4:30 बजे शाम तक चलेगा और उसमें सोलर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल एंड EV, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल पे भी है और स्टोन इंडस्ट्री एंड स्टोन एंड मार्बल इंडस्ट्रीज पे है, प्लस आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट बैकबोन, उस पर भी है। इस तरह से लेके सारा जो डिस्कशन चल रहे हैं उसमें कई चीज़ें निकल कर आ रही हैं और उसका एक वाइट पेपर बनेगा BIT बिट्स पिलानी और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वो VGU, बिट्स पिलानी और SIDBI और राजस्थान चैम्बर के सहयोग से विद MSME डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से ये लिया गया। और यहाँ पर आज जो पैनल में लोग आए हैं वो सब अपने अपनी इंडस्ट्री के जाने माने लोग हैं और उनका ज्ञानवर्धन 2 तरीके से हो रहा है। एक तो इंडस्ट्री से एकेडमिया का पूरा इंटरेक्शन हो रहा है और दूसरा जो यहाँ पर छात्र हैं उनको भी कुछ नॉलेज मिल रही है जो कि हमारी फ्यूचर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे मालूम है इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूट का इंटरफेस होना भी बहुत ज़रूरी है और आगे आने वाले समय में जो राइजिंग राजस्थान हो रहा है उसके अंदर जो हमारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको भी इस इंडस्ट्रीज कई तो MSME इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको कई चीज़ों का एक ओपनिंग मिलेगी और ओपनिंग होते हुए उनको भी आगे अपने व्यापार को बढ़ाने में सुविधा होगी। इस तरह से मेरा ये सोचना है कि इस जो कॉन्क्लेव जो हो रहा है, समिट जो हो रहा है, जो डेजर्ट ब्लूम 2
उससे बहुत कुछ जो निकल कर आएगा वो गवर्नमेंट में सबमिट होगा, और गवर्नमेंट में जब सबमिट होगा तो कुछ ना कुछ पॉलिसी जो बन रही हैं, आप लोगों को जैसा मालूम है 21 या 22 गवर्नमेंट पॉलिसीज राजस्थान गवर्नमेंट बना रही है, और उस पर उसके अलावा रिप्स भी हो रही है तैयार, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, और हमारे पूरी IAS ऑफिसर्स लगे हुए हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंचार्ज बनाया गया है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका मॉनिटरिंग हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को हर डिस्ट्रिक्ट में पहुँचाने की बात की जाए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्री लगाने में लैंड की, और लैंड अवेलेबिलिटी जो राजस्थान में वो बहुत है, बट वो कहाँ तक और किस जगह पे सही जगह पे है वो मिल जाए और इंडस्ट्री लग जाए और सक्सेसफुल चले, और उसके साथ साथ उसको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर या जो वर्किंग फोर्स है वो भी मिले, और उसके साथ साथ जो वहाँ की इंडस्ट्रीज हैं उनको भी संसाधन बढ़ने का और व्यापार बढ़ाने का मौका मिले। तो इस समिट से मैं समझता हूँ कि इन सारे डिस्कशंस पे कहीं ना कहीं वो निचेड़ा आएगा। वहीं सूरतगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर भीषण हादसा हुआ। कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली से पीछे से टक्कर मार दी। ट्रॉली में सवार शर्मी को उछलकर नीचे सड़क पर गिरने से घटना में 13 लोग घायल हो गए। कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां 3 गंभीर घायलों को रेफर कर दिया और सदर पुलिस मौके पर पहुंची। जोधपुर में प्रदेश में पर्यटन की व्यापक संभावना और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा निरंतर नवाचार किया जा रहा है, साथ ही प्रदेश में प्रमुख मेलों और उत्सवों का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ महोत्सव 2024 का आयोजन आगाज हुआ। जोधपुर के उम्मीद राजस्थान स्टेडियम के अंदर यह आयोजन किया गया, जिसमें आयोजन में BSF के ऊंटों का प्रदर्शन और पर्यटकों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया गया। मनमोहन सिंह जी के जो चेतन है उसके पदा बहुत अलग तरह अलग अलग भेदे बनाए जा चुके चार वही विकास होने में था चार दिशाओं का ही विकास होते हैं। भीलवाड़ा में सभी राजस्व अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए बकाया राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय अवधि में निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने ये बात आज जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान कही। जिला कलेक्टर ने बैठक में कहा कि जिले के राजस्व अधिकारी भू रूपांतरण सहित राजस्व के संबंध सभी प्रकार के प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करें। भीलवाड़ा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत जिला प्रशासन में महिला अधिकारिता विभाग भीलवाड़ा की ओर से आज किसान भवन कृषि उपज मंडी परिसर में भीलवाड़ा से कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 का कार्यशाला का आयोजन किया। महिला अधिकारिता विभाग भीलवाड़ा के सहायक निदेशक नगेंद्र कुमार तोलंबिया ने बताया कि इस कार्यशाला में महिला व बाल विकास विभाग और राजीविका कृषि विभाग महिला अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न एक्ट 2013 पर जागरूकता के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिले के सभी महिला अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है, साथ ही जिले में जो कार्यालयों के अंदर जो महिला कर्मचारी कार्यरत है उनको भी आमंत्रित किया गया, ताकि उनका इस एक्ट को लेकर के आमुखीकरण किया जा सके। और इस कार्यक्रम में हमारे मध्य जिला कोषाधिकारी मैडम टीना रोलानिया जी है, सोनल कोठारी मैडम है, डिप्टी डायरेक्टर ICDS राजकुमारी मैडम इस कार्यक्रम में सेटअप कर रही है। राजस्थान